शुरू करिए। ये देखिए, ये लेंथ है, इधर से इधर तक एक लेंथ हो गया फर्स्ट नंबर। इसके बाद हमने लिया है शोल्डर, शोल्डर है यहाँ से 6 इंच, जिसको हमने आधा करके रखा है। बुक में मैंने 12 इंच डाला था, उसका आधा 6 इंच। अब है बगल, बगल है लंबाई, इसके लिए हमने टेप को खड़ी रख दिया, यानी कि जो भी लंबाई है उसको टेप खड़ी रखना है और जो चौड़ाई है उसको टेप आड़े रखना है। देखिए, अब चौथे नंबर पे आता है चेस्ट, चेस्ट है 1.5 इंच, यानी कि उसका अगर हम आधा कर दिए तो देखिए, अगर आपको आधा करने में देर हो रही है तो 1.5 इंच का टेप ऐसा ले लेंगे और इसे हम हाफ ऐसा कर देंगे। अगर आपको हिसाब किताब करने में लेट हो रहा है तो टेप को हम आधा कर दिए तो इसका हिस्सा आ जाता, आधा हिस्सा जितना है 1.5 इंच का उतना हो जाता है, देखिए 10.25। इसलिए अब हम छाते का हिस्सा लेंगे, और कभी भी टेप का जो किनारा हिस्सा है वो इस तरफ रखिए, यानी कपड़ा जहाँ फोल्ड है वहाँ रखिए। ये है 10.25, 10.25 हो गया। अब है 5वें नंबर पे है कमर की लंबाई, जो कि 13 है, ये 13 लंबाई है, इसलिए हम इसको आधा नहीं करेंगे और टेप ऊपर खड़ी रख के 13 इंच पे टिक कर देंगे, यानी कि ये 13 इंच तक लंबाई हो गई। अब इसके बाद हम कमर की चौड़ाई लेंगे, कमर की चौड़ाई है 18, 18 का हम आधा करके 9, जो कि यहाँ लिया हुआ है, कमर की चौड़ाई चौड़ाई है, इसलिए हम टेप को आड़े कर देंगे। यही 13 नंबर पे टेप आड़े डालेंगे, जिसपे यही 13 नंबर पे टेप को हम आड़े रख देंगे, जिसके ऊपर 9 इंच का टिक हम ले लिए। ये देखिए, हमने टेप को ऐसे रख दिया। और अब हम लेंगे हिप की लंबाई, हिप की लंबाई है 20 इंच, 20 इंच, यानी कि ये ऊपर से 20 इंच नीचे की तरफ लेना है टेप को खड़ी रखकर। अब हम टेप को खड़ी रख के 20 नंबर पे टिक कर रहे हैं, एक टिक ऐसा लगाएंगे और एक टिक रुका देंगे। अब देखिए, इस पर है हिप की चौड़ाई, नेक्स्ट इसके बाद, तो चौड़ाई को टेप हम आड़े रखेंगे और 20 का आधा 10 लेंगे। अब हम 20 का आधा 10, 10 नंबर तक टिक करेंगे और इसे रुका देंगे। अब आखिरी में है दामन, जो कि लास्ट दामन है, दामन 20 है, 20 का आधा 10। लेकिन हम कॉटन, ये ड्रेस कॉटन के ड्रेस को हम बढ़ा के भी ले सकते हैं 21, और 20 भी नॉर्मल ड्रेस को ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 10.5 लिया हुआ है। तो अब हम 10.5 लेंगे, इस तरह 10.5 इंच पे टिक कर देंगे। अब देखिए, इन सबको मिला लेंगे। ये चेस्ट की चौड़ाई जो कि इस तरह थी, चेस्ट की चौड़ाई 2 काड़ी कम 10 थी, 2 पॉइंट कम, ये मिला लिए। अब हमने इन सब नंबरों को, जो हमने टिक डाला था, इन सब नंबरों को हमने मिला लिया। अब हम लेंगे माया। देखिए, मैं माया 2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इस ड्रेस के धागे निकलते हैं, इसके लिए मैं माया को ज्यादा रख रही हूँ। और यहाँ माया मैं 1 इंच रख रही हूँ, क्यों? क्योंकि हम चौक सीने के टाइम कपड़ा ज्यादा नहीं दबा सकते, इधर 1 इंच कपड़ा हम दबा देंगे तो सीने में इजी होता है। अब इन सब, जो माये का निशान मैंने लिया है, इन सबको मिला लेंगे। आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्केल आपके पास नहीं है तो आप इस तरह टेप को रख के भी, टेप से भी इस निशान को ले सकते हैं। अब देखिए, बगल बगल यहाँ पर स्क्वायर में है, चेस्ट के निशान का और बगल के निशान के जो बीच का सेंटर है, ये इसमें हम टेप को 1 इंच क्रॉस रख देंगे और 1 इंच पे टिक कर लेंगे, और बगल का निशान इस तरह हम बना लेंगे। अब है कटिंग, देखिए शोल्डर के पास से ही फर्स्ट कटिंग करना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आप मेरा वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इससे बेहतर वीडियो बनाने का तरीका आपको, इससे बेहतर वीडियो बनाकर कटिंग का तरीका आपको बताऊंगी। देखिए, अब हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो गया। अब हमें बैक साइड का हिस्सा लेना है, और इस फ्रंट साइड के हिस्से को बैक साइड के हिस्से पे हम रख देना है। इस तरह कपड़े को हम बिछाएंगे।
देखिए इतना कपड़ा हम बाकी रखेंगे, यानी कि जितना दामन है उतना ही कपड़ा हम लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया दामन 10.5 है, तो हम 11.5 इंच कपड़ा ले लेंगे। जैसे कि मैंने बुक में बताया था दामन 10.5 है, तो ये 1 इंच माया भी हम लेंगे, 10.5 और 11.5। तो हम कपड़े को और थोड़ा पीछे की तरफ हटा लेंगे। इस तरह हम कपड़े को बिछाकर ये वाला हिस्सा ही इसके ऊपर रख देंगे। देखिए इसको हम आस्तीन के लिए बचा के रखे हैं ये कपड़ा, बाकी के कपड़े को हम, यहाँ पर कपड़े की कमी है इसके लिए हम यहाँ जॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि इस ड्रेस की लेंथ लंबी है इसलिए हमने शोल्डर पे जॉइंट डालना है। देखिए ये चटके मारना मत भूलिए, क्योंकि सिलाई में आपको ये चटके बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हो गई ड्रेस की कटिंग। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने कट बगल डैश रखा हुआ है, तो कट बगल में अब हम इस बगल के हिस्से को माप के डालेंगे। ये देखिए कट बगल मापने का तरीका, जो हमने बगल कट किया हुआ है इस तरह हम इसे मापेंगे। देखिए 10.5 आ गया है, तो अब हम 10.5 इंच इधर लिख देंगे, 10 भी आधा इंच। ये है ये कट बगल जो कटिंग होने के बाद निकलता है। अब इस कट बगल को हम आस्तीन पे लेंगे। देखिए मैं पहले आस्तीन का डायग्राम डाल रही हूँ। आस्तीन का डायग्राम इस तरह आएगा। अब आस्तीन की लंबाई है 18 इंच, जो हम यहाँ लिख देंगे 18 इंच। अब आस्तीन की चौड़ाई है 5, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। अब 18 में प्लस करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा माया और लेंगे, और 5 में 1.5 प्लस करेंगे तो होता है 4 इंच। और कट बगल यहाँ लिख देंगे 10.5 इंच। मैं दूसरे वीडियो में आपको कटिंग आस्तीन किस तरह कट करते हैं वो समझा दूंगी। अब देखिए जो कपड़ा हमने बचा कर रखा हुआ था पीछे साइड से, उस कपड़े को हम ऐसा मोड़ लेंगे और इस तरह से हम 4 फोल्ड करके इस कपड़े को ले लेंगे। अब जिस तरह इसमें आस्तीन का डायग्राम बताया हुआ है, ये मुड़ा हुआ कपड़ा ये साइड है, ये नीचे का हिस्सा इधर है, ये ऊपर का हिस्सा इधर है। तो अब हम ये 19.5 इंच ऐसा ले लेंगे। ये 19.5 इंच देखिए नीचे की तरफ एक निशान मारेंगे और ऊपर की तरफ एक निशान मारेंगे। अब नीचे है मोरी यानी आस्तीन की चौड़ाई, 5 में 1.5 मिला है 6.5, यानी कि माये के साथ ही मैं बता रही हूँ। ये 5 है सिलवाई का और ये 1.5 इंच माया है, यानी कि ये 6.5 इंच हो गया अब टोटल। अब इसके बाद 4 इंच का शेप, देखिए शेप ये ऊपर से फर्स्ट नंबर से ऐसे ही रखना है और निशान ऐसा देना है टेप को ऐसा रख के, और ये लकीर को लंबी खींच देना है। अब हम कट बगल लेंगे 10.5, इस निशान से हम 10.5 इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जॉइंट लगेगा। तो इस जॉइंट को लगाने के लिए हम कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। इस टुकड़े को रख देंगे जो हम सामने के फ्रंट साइड से निकाले थे, वो टुकड़ा हम यहाँ रख देंगे 10.5 इंच। देखिए ऐसा मिला के 10.5 इंच नंबर पे टिक डाल देंगे और बगैर टेप हटाए हुए। देखिए हमने इस कटिंग में बिल्कुल भी स्केल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, क्योंकि हर किसी के पास स्केल नहीं होती, इसलिए मैं बगैर स्केल के ये डायग्राम को डालने का तरीका बता रही हूँ। अगर स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्केल नहीं भी है तो हम घर पे कम सामान में भी कटिंग कर सकते हैं, स्केल होना जरूरी नहीं है। देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और यहां से 4 इंच की लकीर हम ऐसा खींचे, और जो हम कट बगल ऐसा राउंड मापे थे जो 10.5 आया था वो हम ऐसा ले लिए। अब देखिए कटिंग का तरीका,
इस तरह हम और इस कली को हम निकाल लेंगे। मैंने इसमें से सिर्फ एक कली निकाला है, लेकिन ऐसे हम चार कली और कट कर लेंगे। और यहाँ सेंटर में फोल्ड कपड़े की साइड चटका मारेंगे और नीचे के हिस्से को भी हम कट कर देंगे। अब मैं ये चार कलियाँ निकाल रही हूँ। देखिए, इस चार कपड़े को कम से कम खर्चा करने के लिए मैंने पहले खाली एक ही कली कट किया था, अब ये चार ज्वाइंट और कट कर रही हूँ। एक एक करके कट करने से हमारे को कपड़े का प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि हमें गले को चिपकाने के लिए कपड़ा भी मिल जाता है, पेपर कैनवस चिपकाने के लिए कपड़े का भी इंतजाम हो जाता है, अगर हम ऐसा एक एक पीसेस करके। हाँ, थोड़ी देर तो होती है, लेकिन इस तरह से हम लेने से हमारे को कपड़े की बचत होती है। देखिए, ये हो गए चार कलियाँ। मैंने कम से कम सामान में आपको कटिंग का तरीका बता दिया है, ना तो इसमें स्केल है, ना तो कोई कटर रखा हुआ है, ना कोई कटिंग टेबल है। हम घर में ऐसा ड्रेस कटिंग कर सकते हैं। देखिए, अब मैं पीछे का जो जॉइंट का हिस्सा है, इस हिस्से को मैं यहां से टुकड़े का पीस देके निकाल लूंगी।